जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मणिपुर और गोवा के बारे में और जानेंगे कि मणिपुर और गोवा के जो इलेक्शन जो नतीजे आए हैं उस नतीजों में कितने मुसलमान गोवा और मणिपुर की असेंबली यानी विधानसभा में जीतकर पहुंचे हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले। दोस्तों गोवा के अंदर 40 विधानसभा सीटें, वहीं मणिपुर के अंदर 60 विधानसभा सीटें। इन दोनों राज्यों के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आखिर कितने गोवा और मणिपुर में मुस्लिम विधायक जीतकर पहुंचे ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जब भी मैं किसी राज्य में के अंदर इलेक्शन होते हो मैं बताता हूँ कि कितने मुस्लिम विधायक इस बार की विधानसभा में जीते हैं, तो मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। कुछ लोग ही हैं जो कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर कि ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, ये दिखाना बंद करो, विधायक जो होता है वो सभी के लिए होता है, सारे जातियों के लिए, सारे धर्म के लिए जीत कर वो विधानसभा में पहुंचता है। मैं भी यही मानता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने मुस्लिम विधायक जीत कर पहुंचे, कितने हिंदू विधायक जीत कर पहुंचे। मैं ये वीडियो में बताता हूँ, मुस्लिम विधायक बता देता हूँ तो फिर सारे विधायक जो होते हैं बाकी के रह जाते हैं वो हिंदू विधायक रह जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ मुस्लिम विधायक पर वीडियो बना देता हूँ, फिर लोग जो है वो हिंदू विधायक बचते वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाना सही है गलत है ये आप ही तय करिए जो मेरे सब्सक्राइबर है। चलिए दोस्तों मैं आपको अब बता देता हूँ कि गोवा में 40 विधानसभा में से वहीं मणिपुर में 60 विधानसभा में से कितने मुस्लिम विधायक जीत कर पहुंचे। दोस्तों गोवा और मणिपुर में कोई भी मुस्लिम विधायक इस बार की विधानसभा में नहीं पहुंचा है। इस बार के इलेक्शन में, इस बार के चुनाव में कोई भी मुस्लिम विधायक गोवा की विधानसभा में या फिर मणिपुर की विधानसभा में कोई भी मुस्लिम विधायक जीत कर इस बार नहीं पहुंचा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।